धिक्कार है तुझ पे लक्ष्मी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए अपने आप को एक बहादुर औरत कहते हुए। इंदिरा गांधी, लक्ष्मी बाई जैसी नारियों के देश में तू है, बाकी दुनिया की तो छोड़, अपने पति को भी काबू में नहीं कर सकती। क्या हो मम्मी, क्या कह रही हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चुप कर गुड्डी, मेरा दिमाग सही जगह पे है। आज मेरा आत्मसम्मान अंगड़ाई लेके जाग गया है, मेरे अंदर की नारी आज गुर्रा रही है। तो मम्मी से लोरी गा के प्लीज सुला दो ना, अगर आपका सम्मान जाग गया तो हमें रोटी कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा? एक नारी होके भी एक नारी का दर्द नहीं समझती। काश मेरा भैया गुल्लू यहाँ होता, वो ही एक मुझे समझ पाता। ओफो, ये टीवी वाले ऐसे प्रोग्राम्स क्यों दिखाते हैं? बुड्डी बेटी, तुम यहाँ सोफे पे क्या कर रही हो खड़ी होके? आहिस्ते डैडी, आहिस्ते। क्यों? मम्मी ने अभी अभी फाइटिंग वाली पिक्चर देखी है। अरे बेटी, तेरे डैडी से बड़ा फाइटर इस हिंदुस्तान तो क्या सारे दुनिया में नहीं है। तेरा बाप जब शेर से नहीं डरता तो अपनी बीवी से क्या डरेगा, देखना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, देखना देखना, लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, राज मैं कुछ करना चाहती हूँ, लोगों की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए। अब इसे कौन समझाए कि अगर कुछ घंटों तक चुप हो जाए तो कितनों का भला हो जाएगा। राज मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। लक्ष्मी करो, अवश्य करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो किचन में कितने बर्तन गंदे पड़े हैं, जाओ उसे धो डालो, जाओ। खामोश, मुझे सोचने दो। अरे बाप रे, यानी आज ये सोच रही है इसका मतलब कुछ भयंकर घटना घटने वाली है। मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा गजब मत करना, ऐसा गजब मत करना लच्छो। पता है बजाय कारतूस और बंदूक खरीदने के सारे सैनिक गुलाब के फूल खरीदने लगेंगे तुम्हें प्रेजेंट करने के लिए। सारी सरहदें सूनी हो जाएंगी और सारे सिपाही तुम्हारे इर्द गिर्द आगे पीछे परेड करते नजर आएंगे, ऐसा मत करना। तुमने फिर से मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, तुमने एक शेरनी को छेड़ दिया है। हे भगवान, इस शेरनी के लिए कोई स्पेशल पिंजरा क्यों नहीं बना था जिसमें ये बंद भी हो जाए और चुप भी हो जाए। आइडिया, आइडिया, गुड आइडिया। क्या? मैं डिटेक्टिव एजेंसी खोलूंगी और खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को पकड़ूंगी। जो औरत अंधेरा होने के बाद घर के बाहर निकलने को डरती है वो खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों को पकड़ेगी। तुम भूल रहे हो कि तुम एक बहादुर औरत से बात कर रहे हो। वो सब छोड़ो, लेकिन ये कंधे पे कॉकरोच क्या कर रहा है? क्या हुआ? देखा, मैं डरने की एक्टिंग कितनी अच्छी तरह से करती हूँ। वाह वाह वाह, मान गया लच्छो, मान गया, खुद गिर पड़ी लेकिन तंगड़ी हुआ। पता है सर और उनकी बीवी डिटेक्टिव एजेंसी खोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को तो पहले से ही शक था। किस बात का? कि सर पागल हो गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये कोई हंसने का तरीका है? ऐसा लगता है पैदा होने के बाद पहली बार हंसने का मौका मिला है तुम्हें। इतना दुनिया भर का जोर लगा क्यों हंस रहा, बताओ मुझे। जाने दो सर। जाने दो क्या, आने दो, बता बता मुझे। सर मैं सोच रहा था कि ऑपरेशन करते हुए आप मरीज के पेट में टॉवेल भूल जाते हैं और ऑपरेशन करते हुए आपको कैंची और छुरी भी नहीं मिलती, तो डिटेक्टिव एजेंसी खोल के आप डाकू को कैसे पकड़े? चल जा, जा, कम कर अपना। यस सर। देखिए ललिता जी, आज से क्लिनिक 8 बजे की बजाय 5 बजे बंद होगा, समझी? अरे क्यों सर, उसके बाद आप
कमांडो ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। जाइए जाइए सर, आपका पेट भी अंदर चला जाएगा और पेशेंट्स भी आने लगेंगे। देखिए मैडम, यहाँ पेशेंट्स अपने इलाज के लिए आते हैं, मेरे पेट की लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए नहीं आते, समझिए आप। वो कोई हंसने की, जाइए जाइए, देखिए कोई 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 पेशेंट आएगा, देखिए भिजवाइए उसे। करे कौन और भुगते कौन? क्या है सर? 3 महीना पहले मेरा टॉमिक हो गया था सर। तो मैं क्या करूं सर? आप जासूस से उसको खोज दीजिए सर। मैं सोच रहा था कि आप मरीज के पेट में टॉवेल भूल जाते हैं। क्यों सर? उसके बाद आप कमांडो ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं। तो आप डिटेक्टिव एजेंसी खोल के डाकू को कैसे पकड़ेंगे सर? आगे लच्छो, तुम्हारी इस जासूसी एजेंसी की आइडिया ने अस्पताल में मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, पता है? बल्कि मैंने तुम जैसे कचरे को अपनी एजेंसी में रख के थोड़ी सी इज्जत दी है। क्या? राज, हमारे पास बहुत केस आएंगे, बहुत पैसा हो जाएगा, वो तो हम बैंक में ही जमा करेंगे। चलो ना, हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं। देखो लच्छो, क्यों मेरे 300 रुपए जाया करने पर तुली हो? अरे समझा करो, तुम्हारी जासूसी एजेंसी में एक चिड़िया तक नहीं आएगी अपना केस लेकर। प्लीज राज, अपनी बहादुर बीवी के लिए इतना नहीं करोगे? अच्छा मेरी माँ, चलो। राज, मैंने है ना अपनी एजेंसी का नाम भी डिसाइड कर लिया है, चमकता सितारा जासूसी एजेंसी। चमकता सितारा जासूसी एजेंसी, ये कोई नाम हुआ? बिल्कुल सड़ा हुआ है। अरे कोई दमदार सस्पेंस वाला जासूसी से भरा नाम होना चाहिए। मुझे सोचने दो यार, जैसे जैसे हाँ, ढुस ढुस जासूसी एजेंसी। जी, ये तो मेरे वाले नाम से भी ज्यादा सड़ा हुआ है, इसमें से तो बदबू आती है, बदबू। अरे तुमने, मैंने जो नाम सजेस्ट किया उसे बदबू कहा, और तुमने जो सजेस्ट किया वो ठीक है। अरे तुम समझती क्या, तुम उससे इंटेलिजेंट हो, तुम मेरे की तरह कुछ सोच सकती हो, समझ सकती हो। बंद करे बच्चे की तरह झगड़ना, ये अपने घर की एजेंसी है, इसका नाम होगा घर परिवार जासूसी एजेंसी। अरे वाह वाह गुड्डी बेटी वाह, देखा देखा कितनी इंटेलिजेंट है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। चलो बैग। एक मिनट ठहरो, ये संभालो। अरे ये क्या है? चाकू। चाकू? जब तक हम बंदूक न खरीद ले, हम इसी से काम चलाएंगे। ओके बॉस। भैया शू शू शू। अरे भैया सुनो। हाँ बोलिए। आप जासूसी एजेंसी का अकाउंट खोलेंगे? मेरी अपनी एजेंसी है। पापा, हमारे पास इतने पैसे कब आएंगे जितने इस बैंक में? जिस दिन हंसु हलवाई अपनी मिठाई में ढेर सारा जमाल गोटा मिला देगा, जिसे लाखों करोड़ों लोग पेट भर के खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मेरे पास आएंगे, मेरी आमदनी बढ़ेगी, उस दिन बेटी। कोई भी जगह से हिलेगा तो गोली खिला दूंगा। मैनेजर को संभाल। कैसे हो? मैं चल चल खोपचे में, चल खोपचे में, यानी कोने में। इधर क्या है अंकल? छी, तुम्हारे दांत कितने गंदे, तुम अच्छे से ब्रश नहीं करते क्या? करता हूँ। एक काम करो। हाँ। तुम अभी घर जाओ। हाँ। ब्रश करके वापस आ जाओ, लेकिन ब्रश ऐसे नहीं करना, ऐसे करना समझे? गुड बॉय। मेरी बीवी भी यही कहती है। ज्यादा शांतपति की तो गोली खिला दूंगा। ओके बाबा, ओके ओके। लच्छो, ये हमारी बेटी गलत जगह पर क्यों डेढ़शानी बनती है? माल नहीं है, कंगाल बैंक है। होशियारी करता है? अबे इतने जूते मारूंगा कि सर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे, समझा? क्या बोला? इतने जूते मारूंगा कि सर पर एक भी बाल नहीं बचेंगे। मालूम 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 है। तो फिर माल क्यों नहीं निकाला? जानते नहीं हो मैं एक जासूसी एजेंसी की बॉस हूँ। अच्छा, तुम मुझे यूं क्यों देख रहे हो? राज, राज ये मुझे डरा रहा है।
तो लच्छो भगवान के वास्ते डरो, डरो जरा। लेकिन मैं डरूंगी नहीं। देखिए भाई साहब, आप इतना हार्ड पर मत लीजिए, वो मेरी बीवी है, मैं उसे संभाल लूंगा। अच्छा, आप चुपचाप खड़े रहिए, हाथ ऊपर कर दिए। क्या मुर्गी की तरह चिल्ला रहा है? क्या मारती है मुर्गी? छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना भाई साहब वरना मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो ये कहने आया था कि मेरी बेटी बेचारी सिंगल पसली, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, जरा प्यार से पकड़िएगा। तो बाजू में खड़े रहना, बैंक लूट रहा हूँ, कोई मजाक है क्या? जाइए। फिकर मत करो बेटी, अभी तुम्हारी माँ होश में आते से कुछ ना कुछ करेगी। कोई अपनी जगह से हिलेगा तो गोली मार दूंगा। है तू, इस बैग को पकड़। उस मैनेजर को बोल इसमें से कैश है उसे अच्छी तरह से गिन के चार बराबर के हिस्से कर देना। लड़की को भी पकड़। ए, तू इनको संभाल, तब तक मैं गेट संभालता हूँ। चल बाजी हटा। उधर चल। ए हीरो, हाथ ऊपर कर। तू हीरो है? ए हीरो, ऊपर कर। जी। मैं कहाँ हूँ? बटुआ खाली? बैंक में भीख मांगने के लिए आया था क्या? ये ले 10 रुपए दे रहा हूँ, खर्चे पानी के काम आएंगे, समझे? ये ले पकड़। अरे वाह, हाथ ऊपर। इन्होंने तो घड़ी भी पहन कर दी। घड़ी खाली, घड़ी एक यार, ये बंदूक तो बड़ी प्रॉब्लम करती है। मैं मदद करूं? थैंक यू मैडम। खबरदार, हिलना नहीं तो गोली चला दूंगी, खिला दूंगी। यार ये तो मेरी बीवी की तरह डांटती है। हाँ, मेरे साथ जो रोज रिहर्सल करती है। लच्छो गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, मुझे भी लग सकती है। गोली चलाऊंगी, इसने तुम्हारा इंसल्ट किया है। तेरा क्या होगा गोरिया? ओहो, सीधे खड़े रहो ना। लच्छो कैसा लग रहा हूँ? गोली कैसे चला यहाँ? क्या बॉस, एक आदमी बहुत होशियारी कर रहा था तो मैंने और भी अगर कोई होशियारी करेगा ना तो उसको भी। यस बॉस। अब देखना ये राज सिटी क्या गुल खिलाता है। ओके, ऑल द बेस्ट राज। अगर तुम सक्सेसफुल रहे ना तो मेरी एजेंसी में तुम्हारा जॉब पक्का। ए मैनेजर, इसको फटाफट गिनने का क्या? वो क्या है कि अपुन लोग बहुत अनपढ़ आदमी है यार, इसको बराबर बराबर गिनने का चार बाटा हिस्सा में। हाँ, बाद में लफड़ा नहीं मांगता यार अपुन तेरे को। हाँ पहले। ए भेड़ो यार, मैं बाहर पहरा दे दे के बोर हो गया, थोड़ी देर तू बाहर जा। तेरे लायक यार कोई बाहर चीज नहीं है क्या? अरे एक भी इंटरेस्टिंग औरत नहीं दिखती, क्या बोले यार, बहुत बोर हो गए। अरे यार भिड़ू, वो थी ना बाहर एक बेहोश जो हो गई थी यार, बोले तो उठा ले उसको। वो सब बात बात ना करके तू बाहर जा, बाहर जा। मैं इशारा करूंगी और तुम लोग उसे पकड़ लेना। ओके, डन। हाय, बुला रही हूँ, सुन नहीं रहे क्या? अरे कोई भी लेडीज अपन को भैया कह के पुकारती है ना, तो अपने कान का सुनने का सिस्टम बंद हो जाता है। आओ जाओ, आपके साथी आपको अंदर बुला रहे हैं। अंदर बुला रहे हैं? तो इधर बाहर पहरा कौन देगा? मैं। अच्छा, तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई चापलूसी की ना तो चक्कू खिला दूंगा। हाँ,
चलो मारो, हट जाओ, हट। मेरे बिना क्या दिल नहीं लग रहा क्या बे तेरा, है? बड़ा बदमाश है बे तू, मुझको क्या गधा समझ के रखा है? तू तू ये जो मुंडी ला रहा है ना, काट के रख दूंगा। हाँ अरे तू 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 चल, तू घर चल, तेरी एक एक हड्डी निकलवा कर शोकेस में टंगवाता हूँ। हाँ, हाँ, ए! क्या बोला था? शान पत्ती नहीं करने का। सॉरी भैया, सॉरी। मेरी मम्मी को मत मारो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगी। ए, तू क्या मुझको हिलाएगी खिट्टी? सॉरी सॉरी भैया, मैं नहीं, मेरी मम्मी को मत मारो, नहीं करने का। नहीं नहीं क्या? नहीं आधा शान पत्ती नहीं करने का। नहीं नहीं पचपन छप्पन सत्तावन कौन कौन चिल्लाया? अरे मुझे दीवार के आर पार दिखता है, जाके देखना। हाँ जाता हूँ, लेकिन तू यहाँ बेईमानी मत करना। अगर तेरे बाप को कोई अता पता हो ना, तो मैं उसकी कसम खा के बोलता हूँ बेईमानी नहीं करूंगा। तो जा। मरने गए ये सब लोग। तेरी बंदूक पकड़ने की स्टाइल से मुझे पता चल रहा है कि तू ज्यादा से ज्यादा रेडियो चलाना जानते होगी। बंदूक तो दूर की बात है क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैं जानती हूँ तुम डाकू लोग औरतों पे हाथ नहीं उठाते हैं। औरतों पे हाथ उठाने का ठेका सिर्फ शरीफ लोगों ने लेके रखा है क्या? अभी मरने के लिए तैयार हो जा। अरे नादान बच्ची, इस बंदूक का तो सेफ्टी गैजेट का हुआ है, पिछले 2 साल से मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन भाई साहब ये बंदूक बहुत सही चलती है, बहुत सही चलती है, चला के दिखाओ। बड़े भैया, मेरे मुन्ना बंदूक मुझे दे दे ना, रो मेरे मुन्ना ना रो। अच्छा पुलिस आ गई, बिल्कुल सही मौके पे आई हमेशा की तरह। अंदर करो इनको जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता नहीं है मेरी बहादुर पत्नी लक्ष्मी की वजह से ये सब हो पाया है, वरना पता नहीं हम सबका क्या हशर होता। पता है आपको? कांग्रेचुलेशन लक्ष्मी। मुझे लगता है इस बैंक डकैती केस में सिर्फ 2 ही जन बहादुर थे, एक तो मिसेस राज और दूसरा मैं। इसलिए मैं इन्हें इनाम में ये सरकारी हथकड़ी देता हूँ, ताकि अगली बार ये चोरों को खुद पकड़ सके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, थैंक यू। लच्छो, आज पहली बार तुमने अकलमंदी और बहादुरी का काम एक साथ किया है। वाह वाह वाह। राज, तुम मेरी खिंचाई कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें झूठ लगता हो ना, तो मैं तुम्हारी ये जासूसी एजेंसी में से इस्तीफा दे देता हूँ। राज, मैं जानती हूँ इस इनाम का असली हकदार तुम हो। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्यों ना हम दोनों इसे 50-50 कर दे। रहने दो, तोड़ दोगे, एक काम ठीक से नहीं कर सकते। एक काम तो ठीक से किया ना मैंने। कौन सा? तुमसे शादी जो की। राज लच्छू, राज लच्छू, ये रोमांस करना छोड़ो। मम्मी, आपका अगला मिशन क्या है? गुलाब जामुन, सरसों का साग, मक्की दी रोटी। मम्मी चली किचन, अपने लिए वो ही फिट है।